प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही बनेंगे 2024 में और फुल बहुमत से बनेंगे। तो फ्री का मसाला दे के कुछ नहीं होने वाला है। जब हमारा देश ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम फ्री में करेंगे क्या भाई? अगर गुंडे बदमाशों को जेल में डालना, उनका इनकाउंटर करना अगर बदले की भावना है तो ये बहुत अच्छा है। जो मोदी जी है वो मोदी जी है, जब तक मोदी जी है तब तक मोदी जी है, आगे आने वाला गाय वाला है। केजरीवाल का हाल क्या, हम हर चीज फ्री देंगे, देते रहो फ्री, जनता को लेना ही नहीं फ्री। 2024 में केजरीवाल जी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? श्याम वीर है मेरा नाम सर। ये लोग जनता के वायदे तो करते हैं लेकिन इनको निभाते नहीं है। और जनता के लिए विकास चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन सबसे अगर देश में भ्रष्टाचारी हो रही है तो ये शराबबंदी, अगर शराबबंदी हो जाए तो हमारी नई पीढ़ी और भी सब लोग सुधर जाए। और एक शिक्षा पर हमें दो चीज़ें तो बहुत ही ख़राब लग रही हैं सरकार से। शिक्षा में जो लोग प्राइमरी स्कूलों में इतना वेतन देते, बच्चे कुछ पढ़ नहीं पाते, और कितने वेतन पे देने के बाद भी बच्चा अच्छी शिक्षा न मिले तो क्या मतलब। और ये शराब की जो नई पीढ़ी शराब से, भ्रष्टाचार भी शराब से पनप रहा है। ये शराब अगर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अगर समाप्त हो जाए तो आने वाले समय में और उनके भविष्य में बहुत अच्छा हो जाएगा। सब भारतीय जनता पार्टी है, वो तो अपने प्रयास कर ही रही है, उन्होंने तो काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन ये महंगाई पर जो रोकथाम जो कर दे ये थोड़ा बढ़िया रहेगा। अच्छा, ये केजरीवाल जी को जानते हो? जी हाँ, अनिल केजरीवाल जी। उनका भी वो कहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, अपने 5 सीट आई है उन्हें, उन्होंने दावा किया था हम गुजरात में भी पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे, राज्य में सरकार बनाएंगे। सर केजरीवाल जी तो काम तो खैर अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया किया उन्होंने, दिल्ली में बहुत सारी काम किए लेडीजों के लिए, जेंट्स के लिए, बहुत काम अच्छा कर रहे, कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय पर ही पता चलेगा सर, हम अभी से नहीं कुछ कह सकते। पार्टी तो बहुत है हमारे देश में, ये तो है नहीं कांग्रेस और भाजपा ही राष्ट्रीय पार्टी है, और बहुत पार्टियाँ हैं, 9वीं पार्टी पे है, 10वीं पार्टी पे है केजरीवाल जी। ऐसा नहीं है कि हर आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए और सरकार बनाने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए है, देश को मजबूत बनाना पड़ता है। पहले इंडिया पाकिस्तान से ही डर जाता था, आज की डेट में इंडिया चाइना जैसे देशों की उधार देता है, अमेरिका जैसे देश इंडिया की सपोर्ट में रहते हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ मोदी ही बनेंगे 2024 में और फुल बहुमत से बनेंगे, जो सरकार बनेगी फुल बहुमत से बनेगी। कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हम पढ़े लिखे हैं, और केजरीवाल जी और राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई, क्या लग नहीं उम्मीद? देखो फ्री का मसाला दे के कुछ नहीं होने वाला है, फ्री से कुछ नहीं होगा, देश जब हमारा देश ही मजबूत नहीं रहेगा तो हम फ्री में करेंगे क्या? फ्री में तो राशन मिल रहा है, राशन एक चीज़ ऐसी होती है जो राशन हमें मिल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में भी मिल रहा है और पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। तो उसमें अगर ब्रेस लगा देंगे हो सकता है बिकने लगे, कोलगेट मंजन के साथ में ब्रेस फ्री लगा दिया तो बिकने लगे, लेकिन बिकता नहीं, फिर भी दंत क्रांति चल रहा है नंबर एक पे। ऐसे ही केजरीवाल का हाल क्या, हम हर चीज़ फ्री देंगे, देते रहो फ्री, जनता को लेना ही नहीं फ्री। 350 कमा रहे अपने, कमा के ले आए अपने घर जाएंगे आराम सुकून का, हमें नहीं लेना केजरीवाल से फ्री लाइट या फ्री पानी, कुछ भी नहीं लेना फ्री, दारू फ्री कर रहना है बस। बाबा कैसे काम कर रहे हैं यहाँ यूपी में? बाबा बुलडोजर बाबा की जय हो, बाबा ऐसे काम कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम। ये भी बोलते हैं कि विपक्षी पार्टी ये बोलते हैं कि ये दुर्भावना से या बदले की भावना से काम कर रहे हैं, क्या निष्पक्ष काम हो रहा है? किसके किसके साथ में बदले की भावना, कौन सा काम बदले की भावना से हुआ है जरा वो भी बता देवे ना, जो बदले की भावना से कर रहा हो बतावे तो, कौन सा बदले का भावना है भाई? अगर गुंडे बदमाशों को जेल में डालना, उनका इनकाउंटर करना अगर बदले की भावना है तो ये बहुत अच्छा है, तो यही होना चाहिए। ये दावे कर रहे थे कि अभी जो हिमाचल से लेकर गुजरात से लेकर उत्तराखंड में भी जो है केजरीवाल हर जगह दस्तक दे रहे हैं देश के अंदर में, और उनका कहना है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी का जो है दिल्ली का मॉडल जो इन्होंने सरकार दिया है, दिल्ली के मॉडल से कितने प्रभावित है, आपका आना जाना होता है दिल्ली में कितना प्रभावित? भगवान किसी को ये दिल्ली का मॉडल ना दिखाए, जो पहले था वही रहने थे वो ज़्यादा अच्छा है, ये जो अब हो रहा है ना वो सबसे घटिया मॉडल है। यमुना तो ये बहुत पहले सफाई कर रहे थे, कभी आप जाके फेना देखिए कैसे निकलता है वहाँ। आपका क्या कहना है साहब, क्योंकि दावा किया था कि हम इस बार जो है पूर्ण बहुमत में आएंगे और गुजरात में जो है केवल 5 सीट आई हैं, क्या आपको क्या लगता है कि 2024 में भी जो ये बरकरार रहेगा मोदी जी का जो जादू है बरकरार रहेगा कि आपको? बरकरार रहेगी, मोदी की बिल्कुल बरकरार रहेगी। हाँ जी, कहते हैं कि कुछ भी जुमलेबाजी होती है काम कुछ नहीं, जो मोदी जी है वो मोदी जी है, मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं। कांग्रेस जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है पूरे कन्याकुमारी से, अब आने पहुंचने वाली है दिल्ली, पहुंचने वाले कश्मीर तक जाएगी,
तो राहुल जी इतना मेहनत कर रहे हैं सड़क पे, जो है सड़क नाप रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी जी हैं, आगे आने वाला गाय वाला है, उसके लिए लोग तैयार रहे। केजरीवाल फिर आप क्यों उस अब नाम मत लीजिए, ऐसे बकवास आदमी को मैं नाम भी नहीं सुनना पसंद करता। वो एक नंबर लुटेरा, एक नंबर चोर। आप एक चीज बताइए, वो जो फ्री का दे रहा है, बिजली फ्री का दे रहा है ना, आप जो बाकी लोगों का वो जो बिल आ रहा है बढ़ करके नीचे, उस पर आप उसको देखिए वो टैक्स कितने का लगा के दे रहा है, किस चीज़ का दे रहा है। योगी की सरकार करेगी, मोदी की सरकार करेगी, बाकी और कोई सरकार नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, नहीं पड़ता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा किस लिए कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए कर रहे हैं ना। कोई दिल्ली का मॉडल इसलिए काम नहीं करेगा ना, क्योंकि दिल्ली में खाली एक राज्य की सरकार नहीं काम करती, वहाँ पे केंद्र बैठा हुआ है, तो केंद्र भी काम करता है ना। गुजरात अकेला एक राज्य था, वहाँ पे राज्य सरकार काम कर रही थी, उसने अपने बल पे योगी जी की सोच के साथ में या देश की तरक्की के साथ में जो भी मतलब बारे में सोचता है ना, वो लोग फ्री के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि फ्री का वो देंगे कहाँ, अपने घर से थोड़ी ना देते, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में टैक्स के रूप में हमारी आम जनता के पैसे से ही सरकार के खजाने में जाता है और उसको वो फ्री में बांट रहे होते हैं।